नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर गाजीपुर से है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए वोटिंग चल रही है। ऐसे में गाजीपुर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने अपना मतदान एमए अंसारी इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मदाबाद में किया। उनके बड़े भाई पूर्व विधायक शिफकतुल्लाह अंसारी ने अपना मतदान किया। भाजपा के प्रत्याशी पारस राय ने गाँव के सीखरी विद्यालय में मतदान किया। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। इसको त्योहार मानकर भारी से भारी संख्या में लोग मतदान करें, देश को विकास के रास्ते पर अग्रसर करने हेतु भारी मतदान करना नितांत आवश्यक है। बस यही इस बार अवसर पर कहना है। अभी तक आपने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था, लेकिन आज आप अपने को मतदान देकर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप सुबह देखिए ना, प्रातःकाल जैसे सब लोग कहते थे कि पहले मतदान फिर जलपान, तो दिखाई पड़ रहा है। उत्साह है, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, उत्साह की कोई सीमा नहीं है। क्या लग रहा है इस बार 400 के पार? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हमको तो इस पूरे अभियान में और माताओं के हृदय में जिस प्रकार से विकास बैठा हुआ है वो अद्वितीय है। लोगों से अपील करना चाहेंगे, भारी संख्या में मतदान करें, मतदान का प्रतिशत न घटे, पूरा मतदान हो ठीक से, यही अपील करना चाहिए। सांसद जी, आज जो है लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में आप जो है पोलिंग बूथ पर हैं। मत डालने के लिए आया हूं और पंक्ति में पहले नंबर पर हूं। अभी लगभग 15 मिनट बाद वोटिंग शुरू होगी। भीतर मशीनों का टेस्ट वगैरह चल रहा है। ऐसे में कहा जाए कि आप गाजीपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं और ये जो बलिया लोकसभा है, ये मेरी जन्म भूमि भी है, मेरी कर्म भूमि है। इस विधानसभा क्षेत्र से मैं 5 बार विधायक रहा हूं और पहली बार 14वीं लोकसभा के लिए जब चुनाव लड़ा था तो ये विधानसभा भी गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का अंग थी, लेकिन वो चुनाव में जीत गया 2,27,000 मतों के अंतर से। पर सीमन जब बाद में हुआ 2008 में, तो उस वक्त हम लोग के यहाँ देहात में कहा जाता है चकबंदी के लिए चक काटने वाला जो अधिकारी होता है, चकबंदी अधिकारी, उसकी मर्जी पे फिर परसीमन में चक बनने लगे। तो श्री मनोज सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस परसीमन कमेटी के एक मेंबर थे, हर पार्टी का एक मेंबर था उठे। उन्होंने अपने अनुसार एक बेहतरीन चक बनाया, मोहम्मदाबाद और जहूराबाद को उससे निकाल के बलिया में जोड़ दिया। अब बलिया लोकसभा में बैरिया, बलिया सदर और कोपाचित का नाम बदल करके उसको पेपना विधानसभा करके, ये तीनों को। अब खास तौर से उधर जो जमानिया विधानसभा बना, उसमें जो बड़े बड़े स्वजातीय गांव थे उनके, बसुका, नवली, उतरौली, त्रिलोकपुर, डेढ़गावा, रेवतीपुर, उसके बाद रामपुर, शेरपुर, ये सारे बड़े बड़े गांव जिसमें जातिगत आधार पर उनकी बहुल्यता है, उन सारे गांवों को उठा के इसमें डाल दिया कि एक सॉलिड विधानसभा तो एक सॉलिड लोकसभा बन जाए हमेशा के लिए, हमारे नस्लों के लिए। लेकिन अब क्या कीजिएगा, सोचना हो सकता है, अमल होना मुश्किल हो जाता है। बेचारे पहली बार इस पे लड़े 2009 में, अकबत खत्म हो गई, जमानत जब्त होते होते बची 1,32,000-34,000 वोट ही दिया इस बलिया लोकसभा ने। ऐसे में आप सातवें चरण का चुनाव है, क्या स्थिति रहेगी इंडिया गठबंधन की? अब देखिए, इंडिया गठबंधन 300 से ऊपर अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीटें जीत करके और केंद्र की सरकार बनाने जा रहा है। अब इसमें आप लोग, अब बैटिंग आज के बाद पूरी हो गई सभी टीमों की, अब आपके आकलन पर 2-3 दिन तक जनता को इंतजार करना है। आप आकलन करते रहिए। आज के वोटिंग पर तापमान का कोई असर पड़ेगा या? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन तेवर ऐसा है मतदाताओं का कि वो इसे चुनौती मान रहे हैं। हम अपने निर्वाचन आयोग के लिए उनको सलाम करके ये कहना चाहता हूं कि दया करें, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में यहाँ बुजुर्ग मतदाता भी हैं, महिलाएं भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, और ऐसे तापमान में जहाँ पशु पक्षी मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, आपके जो
मतदान कराने के लिए कर्मी लगाए गए हैं उनमें से कई मर जा रहे हैं, तो जरा विचार किया कीजिए कि कैसा मौसम है जब आप किसी को कह रहे हैं कि जाओ। अगर ये लोग भी आके यहाँ एक घंटा खड़े रहेंगे तो पता नहीं इनका क्या हशर होगा। ऐसा सर अंतिम सवाल है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है क्या लग रहा है ईवीएम कितनी सुरक्षित है? अब हो गया, अब ईवीएम से ही चुनाव संपन्न हो गया, अब उस सवाल पर टिप्पणी करने से कोई नतीजा नहीं है। जनता ये स्वीकार नहीं कर रही थी लेकिन हो गया। अफजल जी, वही आजमगढ़ से सांसद प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने अपने गांव तड़वा के विद्यालय में मतदान किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होकर सांसद प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि इस बार हम लोग जो मोदी जी ने कहा है 400 पार का नारा, वाकई हम लोग 400 पार कर सीटें जीत रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है आइए सुनवाते हैं। वोट की ही ताकत है कि इसी गाँव में गाय चराने वाला लड़का आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचा है, तो वो यही लोकतंत्र में एक वोट की ताकत है। मैं सबसे भी यही अपील करूंगा कि आप भी अपने बूथ पे जाइए और अपने मत का उपयोग करिए, आप वोट डालिए, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा अधिकार भी है और आपका सबसे बड़ा दायित्व भी है। दिनेश जी, आपके बड़े भाई साहब अभी विजय जी आए थे, वोट कास्ट किए समाजवादी पार्टी के लिए, उन्होंने लोगों से अपील भी की चैनलों पर, और आप आए भारतीय जनता पार्टी के आप सांसद हैं, आपने उनका पैर छुआ। बिल्कुल, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, गुरु भी हैं। अब दोनों में अंतर यही है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम मोदी जी को चाहते हैं। वो अखिलेश यादव को भी चाहते हैं? नहीं, वो तो फिर सपना देखना है तो देखिए कौन मना कर सकता है। कितने सीट पे? नहीं पहले पूछिए कितने सीट पे अखिलेश यादव लड़ रहे हैं? 8 सीट उनकी पार्टी। 20 मिनट में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रुपी से 50 से ज्यादा सीट जीत के जाएंगे। लड़ कितने पर रहे? अखिलेश जी ने कहा कि सारे सीटों पर लड़ रहे हैं और कोटा छोड़ के सब पे हम जीत रहे हैं। वो पहले आजमगढ़ बचा के दिखाए। दिनेश जी गाजी खुद की भी सीट बचा के दिखाए, कन्नौज से भी हार रहे हो। दिनेश जी, गाजीपुर लोकसभा में मुख्तार बनाम विकास यही चुनाव रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी नाम लिया, मुख्यमंत्री जी भी नाम ले रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी नाम ले रहे हैं, उनके प्रत्याशी भी नाम ले रहे हैं। जहाँ जहाँ है मुख्तार एक खास गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए नजर आया सर। कोई फैक्टर नहीं है। मुख्तार अंसारी कौन थे? गुंडा, माफिया, हथियारा, जिसको जेल हुई थी, मर गया, खत्म बात। लेकिन इनके भाई तो शहीद का दर्जा बता रहे। अरे खुद है, जब शहीद खुद ही लिखना है तो लिख लीजिए, कौन भगवान है लिख लीजिए अपने आप। तो उस्मान अंसारी के पोता बताते हैं अफजल अंसारी? झूठ है, सबसे बड़ा झूठ मोदी जी, धरती का सबसे बड़ा झूठ है जो लोग बोलते हैं। ये लोग माफिया हैं, अपराधी हैं, और इन्होंने गाजीपुर को, मतलब इस विकास को रोक दिया, गाजीपुर के विकास को। जब मनोज सिन्हा जी यहाँ पे थे तो बच्चा बच्चा जानता है कि गाजीपुर कैसे विकास कर रहा था। लेकिन मैं सदन में रहा और मैं एक दिन गाजीपुर का नाम सुनने के लिए तरस गया कि कोई गाजीपुर का नाम ले ले। ऐसा सांसद था जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, ना कभी सदन में नजर आए, ना कभी क्षेत्र में नजर आए। गाजीपुर में आज आपने वोट किया, कितने लाखों से वोट की जीत की मतलब बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि ये हमारे हाथ में है कि हम अपील भी किए, हम वोट भी डाले, अब जनता के हाथ में है कि वो कितनी बड़ी जीत दिलाए। अफजल अंसारी कहते हैं कि बनारस छोड़ के पूर्वांचल की सभी सीट में जो है बीजेपी साफ है। मुझे लगता है बीजेपी को साफ करने में इनका पूरा खानदान साफ हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। दौड़ रहे हैं, कितना जज्बा, और उसमें विजयलाल यादव की वीर रस की गीत लगा के, गाना लगा के, विनय तो ही सबसे पीछे हुआ। गोलिया सन कह गा रहा था उस समय, अरे गोलिया सन कह पथरवा पहरू पहरा पहखड़ा, रस के करत प्रसार जगत में जब आवे सावनवा, अब तब न गंदर फेर के घर के वर जमनवा, माटी भैली रे मेहदिया बही बही जाला कुल कजरवा पहरू पहरा पर खड़ा। लेकिन आज शहीदी धरती है ये गाजीपुर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भाई, मनोबल टूट गया हमारे जवानों का, फौज के नाम पर भी हमारा जवान डर गया है। विजय भाई, आपने जो सपा को वोट किया, जो सामने प्रत्याशी हैं आपके अफजल अंसारी, उनके ऊपर आरोप है कि वो बहुत कमजोर सांसद हैं, 5 साल कुछ नहीं किए, निधि तक नहीं ला पाए। देखिए आरोप प्रत्यारोप जो है करते रहते हैं, आते रहते हैं, करते रहे हैं। अगर वो कमजोर सांसद हैं, 5 साल आपके बीच में नहीं है, तो इसका जवाब जनता दे देगी, मतदाता इसका जवाब देगा ना। हम अपने मुंह से कुछ भी कहते हैं, आप अपने मुंह से कुछ भी करें, सब कोई मतलब। आपके क्षेत्र में क्या रहा,
क्या आप देख रहे हैं लोगों के बीच माहौल कैसा देख रहे हैं? माहौल मैं क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे गाजीपुर के लोकसभा की बात कर रहा हूँ। क्या उम्मीद है? लाखों पार, लाखों पार। अभी सीधा बात ठीक। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी ध्यान कर रहे हैं विवेकानंद, विवेकानंद रॉक पे मोदी जी ध्यान कर रहे हैं और अंतिम चरण में वो प्रचार करने के बाद ध्यान करने चले गए, इस पर कुछ कमेंट है? हाँ, कमेंट कुछ नहीं है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री तो ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ एक बात, एकदम बिल्कुल बैठा लीजिएगा आप, कि प्रधानमंत्री अब तक आज़ादी के बाद बहुत हुए, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं इतना बड़ा एक्टर, एक्टिंग के स्कूल हैं प्रधानमंत्री। आपके भाई से भी बड़े? अरे ये तो कुछ नहीं, हम लोग तो चेला हैं, एक्टिंग तो हम भी करते हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, इससे उसको कई रूप में बोलेंगे, अभी आपके तरफ देख के बोल रहे हैं, अभी चाहूँ तो मैं ये चश्मा उतार के और आँस पोछने लगूँ, रोने लगूँ, ऐसी एक्टिंग, एक्टिंग के स्कूल हैं माननीय, और किसी से छिपा नहीं है, आप सब जानते हैं, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। ये चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, पार्टी गठबंधन नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है। किसकी सरकार देख रहे हैं? सरकार तो गठबंधन की बननी है, इसमें कोई दो। और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम बैठ के तय कर लेंगे। अखिलेश जी को भी देख रहे हैं? हाँ, तमाम, अखिलेश जी हमारे प्रधानमंत्री इससे कमज़ोर हैं, पढ़े लिखे भी सबसे ज़्यादा हैं, काम भी उन्होंने जो किया है वो काम सराहनीय रहा है, चीफ मिनिस्टर के तौर पर कम से कम गुदरा जैसा कांड तो नहीं करवाया। तो हम लोग ये माने कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होंगे? देखिए, मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि प्रोजेक्ट कार्यकर्ताओं की मांग रहेगी, लेकिन मटेरियल हमारे पास, विपिन आईडी ऊपर करो, प्रधानमंत्री के मटेरियल हमारे पास इतना खूबसूरत मटेरियल है, इस पर जनता आस लगाई हुई है। कौन कौन? मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये अखिलेश यादव को एक नंबर पर रखा जाए, हाई है, एक नंबर पर अखिलेश यादव जी है और उसके बाद भी नेता है, ये लोग अपने सीने से लगा करके आपके मीडिया के ही साथी जिनको एकदम खराब घोषित करने पे लगे हुए थे, आज आप देख लीजिए उसकी टूटी सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। साथी में कौन कौन है, अगर आपको जानकारी है कि साथी में कौन कौन नाम है? नहीं नहीं, जानकारी तो हमको है, लेकिन मैं ये पता कैसे चेक सकता हूँ? मैं ये बताऊंगा कि हम बैठ करके इंडिया गठबंधन के सभी हमारे अलायंस दल के लोग बैठ करके अपने में बात करेंगे, जिस पर सहमति बनेगी उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक सर, थैंक यू। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।